बीजेपी की बात कहाँ कोई कुछ है, ओनली फॉर बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी। योगी आदित्यनाथ साथ जाएंगे हम लोग, बीजेपी सरकार, बीजेपी के साथ जा रहे हैं। घर योजना, आवास योजना जो फ्री में दे रही है, उस पर तो कोई नहीं सवाल उठाते हैं लोग। गरीबों को वो जब दे रही है तब उससे दिक्कत है, ऐसे नौकरी दे के रिजर्वेशन दे तब दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या लग रहा है आपको, 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का सही रहा है या फिर हटाने की तैयारी है? मतलब हटाने की तैयारी है। नाखुश हैं आप उनसे? अच्छा, क्या बेहतर नहीं हुआ है जिस वजह से आप नाराज हैं? क्या नाराजगी है आपकी, मतलब किस वजह से आप नाराज हैं? बस 2 साल हो गए, अब नया दूसरे सरकार, दूसरे किसी को मौका देना चाहिए। अच्छा, दो बार हैं और दूसरे किसी को मौका देना। कहते हैं काम अच्छा हो तो मौका देना बनता नहीं, आपको लग रहा है कि काम अच्छा नहीं हुआ है? लग रहा है, तभी कह रहे हैं। क्या खामियां रह गई, क्या बताएं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद सकीम अंसारी। क्या लग रहा है अभी काम नहीं हुआ है 10 साल में? अभी तो 10 साल में फिलहाल कुछ काम नहीं हुआ है। जितने जो है युवा पीढ़ी हैं सब बेरोजगार हैं, अभी कोई जो है प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो ये बेरोजगारी का मसला जो है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बेरोजगारी का मसला है। पूरी जो युवा वर्ग है सब त्रस्त हैं, कोई भी जो है नौकरी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से जो है सारे युवा परेशान हैं। बाकी व्यवस्थाएं जो है देश की वो कैसे? व्यवस्था जो है, जो पहला था उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है, बस जो जहां है वहां ही ठप है। क्या नाम भैया आपका? रामकृष्णा। क्या लग रहा, बदलाव की जरूरत है या? बदलाव की जरूरत है ही है। क्यों बदलाव की जरूरत है? सबसे बड़ा तो बताया जैसे कि बेरोजगारी है, और दूसरा कि जो भी रेप ऑफ बाहर में जो भी हो रहा है, यूपी से, बिहार से, हर जगह से वो मसला है। और बाकी कुछ काम नहीं हुआ सरकार में बढ़िया? काम तो कहाँ, सब लोग घर बैठे हैं, मैं भी पढ़ लिख के घर ही बैठा हूँ। क्या किया आपने? मैं डिप्लोमा किया हूँ सिविल इंजीनियरिंग से। तो जॉब नहीं कर रहे हैं अभी? जॉब नहीं कर रहा हूँ। जॉब मिली नहीं या ट्राई नहीं किया आपने? ट्राई प्राइवेट कर रहा हूँ लेकिन सरकारी नहीं मिली। तो सरकारी में किस विभाग में ट्राई किया था आपने? जल निगम में। तो जल निगम में निकला नहीं वैकेंसी? मतलब वैकेंसी आई नहीं? वैकेंसी नहीं आया? नहीं आई, नहीं तो भरते ना। 3 साल हुआ अभी, वैकेंसी आई तब तो आदमी भरे। किसका माहौल लग रहा है यहाँ पर अभी कुशीनगर का? बीजेपी। बीजेपी निकल रही है? क्यों बीजेपी का लग रहा है यहाँ? लोग, जनता काफी परेशान नजर आ रही, कह रहे हैं कि बीजेपी की बात कहाँ कोई कुछ है, ओनली फॉर बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी। तो ये बताएं मोदी जी कुछ काम हम किए हैं या फिर ऐसे ही मोदी की वजह से आप जा रहे हैं उनके? अब क्या काम चाहते हैं है? बस एक वैकेंसी है और क्या है, सिर्फ नौकरी वाला थोड़ा सा वही बस समस्या, और कुछ समस्या नहीं है। बाकी वैसे सब ठीक है, बहुत फर्स्ट क्लास है। बाकी व्यवस्थाएं सही चल रही है? एकदम फर्स्ट क्लास। क्या करते हैं आप? दुकान चलाते हैं। दुकान चलाते हैं, तो व्यापार ठीक चल रहा है आपका? बहुत बेहतर चल रहा है इस टाइम। कोई परेशानी तक नहीं भैया? कोई दिक्कत नहीं है। और कुशीनगर में क्या लगती है? कुशीनगर में 14-19 में भाई ये सीट भाजपा के पक्ष में गई थी, इस बार क्या लगा, हैट्रिक लगवाएंगे आप लोग? 100% 100% राहुल गांधी की जोड़ी जो इस बार चुनावी मैदान में, कोई चांस नहीं है। कितना भी गठबंधन आ जाए, कोई कितना भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ओनली बीजेपी। तो बीजेपी, बीजेपी। कब से मोदी के साथ हैं आप? जब से वोटिंग मेरा हुआ तब से तो बीजेपी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपुल विश्वकर्मा है। विपुल भाई, क्या लग रहा है, सरकार बेहतर काम की है 10 सालों में? बेहतर काम की है। तो जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे और धरातल पर आपके ग्राउंड लेवल पे बात की जाए तो कितना बेहतर हुआ है? बहुत बेहतर हुआ। क्या हुआ कुछ बताएंगे? जैसे बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि जनता सबसे बड़ी तो मंदिर ही है। लेकिन लोग कह रहे हैं मंदिर से पेट भरेगा नहीं। अरे लोग तो कहने की बात कहते हैं ना। तो आपको भी लगता है कि मतलब मंदिर बनने से बेहतर हुआ? बहुत बेहतर है। अच्छा, तो आप मोदी जी के साथ चल रहे हैं? ओके। क्या नाम है भैया आपका? प्रवीण पाठक। पाठक भैया, क्या लग रहा है कुशीनगर का क्या माहौल है? इस बार 1 तारीख को आप लोग किसके साथ जा रहे हैं? योगी आदित्यनाथ के साथ जाएंगे हम लोग, बीजेपी सरकार, बीजेपी के साथ जा रहे हैं। तो काम हुआ है मोदी जी ने किया या ऐसे ही जा रहे हैं आप? नहीं, काम तो हुआ ही है। काम हुआ है? कितना बदला आपका कुशीनगर? इंटरनेशनल वाली जगह है भाई, एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कुशीनगर की पहचान बनती है। तो क्या लग रहा है कितना बेहतर हुआ ये? है, काम हुआ है, ठीक ही हुआ है जो भी हुआ है यहाँ पे। अच्छा, काम हुआ है, बढ़िया हुआ है, खुश है हम लोग बीजेपी सरकार से। आइए इन युवाओं से बात करते हैं। क्या नाम है दोस्त? राकेश राजभर। क्या माहौल है? माहौल देखिए, माहौल तो ऐसा है कि हर बार चुनाव में जैसे होता है कि मोदी जी झूठे वादे करते हैं, इस बार भी झूठे वादे कर रहे हैं। वही है,
और क्या झूठे बातें हैं इस बार? इस बार भी है, पिछली बार भी, आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो आप लोग नाराज चल रहे हैं राजभर लोग? हाँ, हम राजभर हैं, ये आप पकड़ लिए बात को। देखिए, राजभर लोग नाराज चल रहे हैं, लेकिन अलग की बात है कि हमारे जो ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से गए हैं, उनको इस बार उम्मीद है कि हो सकता है कि मोदी जी इस बार अच्छा करें, लेकिन हम लोगों को लग रहा है कि वो अच्छा करने वाले हैं नहीं। वो हाँ, क्या करते हैं वैसे? देखिए, प्रोफेशन हमारा मैकेनिकल इंजीनियर है। हम आई एम बीएससी स्टूडेंट। काम हम कर रहे हैं मतलब प्राइवेट? ये काम का ऐसा है कि देखिए, अगर आप इतनी पढ़ाई करते हैं, आप इतना टाइम वेस्ट करते हैं अपना, उसके बाद भी आपको 4-5 साल धक्के खाने पड़े, फिर आपको क्या लगता है युवा कैसे खुश रहेगा? पढ़ाई करेगा युवा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। तो बेरोजगारी का मसला है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। देखिए, उनके पास जो मोदी के पास है, जो मुद्दा एक ही है उनके पास, भाई धर्म के नाम पे बस हिंदू मुस्लिम करना है। हाँ जी, हमने मंदिर बनाया, हमने ये किया, हमने किया, अब ये बताइए उससे क्या होने वाला है? उससे हम लोग, हम भी मंदिर जाते हैं, आप भी मंदिर जाते हैं, सही बात, इसमें कहने वाली कौन सी बात? हम कह के थोड़ी ले जाएंगे, ये वैसे ही जाएंगे, ये तो ये बात है कुछ ऐसा। और इस बार देखिए कि फायदा हो, लड़कों मुद्दा चल रहा है कि 400 वाला फायदा हो। हाँ, क्या नाम है आप? बिट्टू भाई, सही कह रहे हैं मतलब? हाँ, बहुत सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा। इस बार यहाँ से बदलाव होगा? होगा, बदलाव जरूर होगा, कोशिश करेंगे, बदलाव जरूर होगा। अच्छा, देश का क्या माहौल है वैसे? और क्या, देश में वही चल रहा है, जब उनका ही सब राज चल रहा है तो सब वही चला रहे अपने हिसाब से, और क्या, अपने हिसाब से चला रहे, तब क्या, और क्या मतलब, अपने हिसाब चला रहे देश के हिसाब? नहीं, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं देश को अभी, देश के। क्या नाम भाई? उज्जवल मिश्रा। क्या लग रहा है माहौल इसका? माहौल क्या है, बीजेपी ही आएगी अब, इसमें माहौल क्या है, 4 तारीख को पता ही चल जाएगा। युवा है कह रहे हैं परेशानी है बहुत, तो परेशानी है तो भाई उन्होंने पहला जो सवाल बोला कि जो मंदिर है वो बीजेपी या गवर्नमेंट ने बनाया, जो गवर्नमेंट ने बनाई नहीं है वो तो लोगों ने चंदा दे के बनाया, वो इतने साल से मसला चल रहा है, और मस्जिद के लिए भी चंदा गया थे, वो तो गवर्नमेंट की बात ही नहीं है, गवर्नमेंट ये उसमें हेल्प कर रही है, इंटरवीन कर रही है, और जो रहा वहाँ पे कि बेरोजगारी है, वहाँ पे भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, और नौकरी जो सरकारी नौकरी के पीछे पड़ रहा है लोग, उनको ना दिक्कत है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स नहीं है, अगर आपके पास स्किल है, आपके पास डिग्री है, तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं है, इनसे दिक्कत उसी को लिए जिनको रिजर्वेशन वाले हैं, मेन दिक्कत बीजेपी गवर्नमेंट से, क्योंकि सरकारी नौकरी निकाल नहीं रही है, प्राइवेट रिजर्वेशन देगा नहीं, मेन दिक्कत यही है, यहीं से वो लोग उठा रहे लोग बेरोजगारी, क्यों 70 साल से जब कांग्रेस थी तब बेरोजगारी नहीं, तो सरकारी नौकरी भर भर के दिए जा रही थी, उसका पैसा वो कहाँ से दे रही है? वर्ल्ड बैंक से लोन लेके आ रही थी, लोन लेके दे रही थी, जब यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप हो रही है, गवर्नमेंट खुद बिजनेस को इस टाइम जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसका मेक इन इंडिया स्कीम, स्किल स्कीम जो है वो प्रमोट कर रही है, तो उसके उसके हिसाब से क्या है, बिजनेस को भी तो प्रमोट करती है। तो ये लोग कह रहे हैं वैकेंसी नहीं आ रही है, नौकरी वही ना बोल रहा हूँ, दिक्कत मेन है कि जिनको रिजर्वेशन चाहिए, जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उसके लिए परेशानी है, क्यों प्राइवेट जॉब में नौकरियां नहीं है, जिसको नौकरी चाहिए वो तो प्राइवेट जॉब में भी जा सकता है, जो सरकारी के पीछे एकदम पागल है वो वेट करे फिर। प्राइवेट करने से लोग ये कह रहे हैं कि प्राइवेट जब किसी एक पक्ष के हाथ में चला जाएगा, मान लिया बिक गया तो अपनी मनमानी चला, बिक कहां रहा है, मैनेजमेंट संभालने के लिए दिया जा रहा है ना, यही तो लोगों के मन में भ्रम है, विपक्ष यही कहता है। तो भाई गूगल करके देख लेना, अभी जो एयरपोर्ट का मसला चल रहा है या लाल किले का मसला चल रहा है, मैनेजमेंट संभालने के लिए दिया गया अडानी को, ऐसा थोड़ी मोदी के हाथ में थोड़ी है, देश की देश बेच देगा मोदी, टाइम के लिए नहीं बेचा गया, नहीं, हाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, मैनेजमेंट बेसिस पे, उसका मैनेजमेंट देखेगा कहाँ से निकाला इसका, गूगल पे, आप गूगल पे डालिए या कहीं पे ट्विटर पे सर्च कर लीजिए, वो मैनेजमेंट संभालने के लिए वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे जो भी वहाँ पे शॉप्स एंड ऑल है, उसका मैनेजमेंट कर रहा है अडानी, ऐसा थोड़ी है कि लाल किरा वो नाम बदल देगा या कुछ कर देगा, अब वो जो माइंडसेट बना है कि मुझे मोदी से। इस बार लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार संविधान में बड़ा बदलाव होगा, कोटे पे भी, यानी के जो आरक्षण है उस पर भी बड़ा, इस पे नहीं पूछेंगे लोग, जो बीजेपी गवर्नमेंट जो ये क्या बोलते हैं राशन एंड ऑल घर योजना आवास योजना जो फ्री में दे रही है, उस पे तो कोई नहीं सवाल उठा रहे हैं लोग कि ये क्यों फ्री में दे रही है, अब फ्री होकर के अपंग बना रही है सरकार, क्या अपंग क्या बना रही है, जब गरीबों को वो जब दे रही है तब उससे दिक्कत है, ऐसे नौकरी दे के रिजर्वेशन दे तब दिक्कत नहीं है, और जब प्राइवेट सेक्टर में 40,000-50,000 की नौकरी या स्टार्टिंग उतनी नहीं है, जब मिडिल लेवल पे जाएंगे, आप मिडिल लेवल पे जाएंगे तो आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं, अब आपको प्राइवेट में जाना ही नहीं है, चाहते हैं कि दूसरे गवर्नमेंट की सरकार आए और फिर उसी से मुझे चाहिए कि सरकारी नौकरी चाहिए, तो फिर तो वहाँ पे ना दिक्कत आई है, ये सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने डिग्री ली है, पढ़ाई की, डिप्लोमा किया है, हमारे पास नौकरी नहीं है। हाँ भाई, नहीं नहीं, मेरे बड़े भाई साहब अच्छी बात बोले, ये कह रहे हैं कि मंदिर के मुद्दा है, ठीक है गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, लोगों ने चंदा ने बनाया, तो इनको बताइए कि फिर मोदी जी मंदिर के नाम पर वोट क्यों मांग रहे हैं? तो मोदी जी के गवर्नमेंट, मैंने कहा ना गवर्नमेंट इंटरवीन की है, मैंने तो बोला गवर्नमेंट इंटरवीन की है,
क्यों नहीं कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि चंदा दे के बना है तो आपके मोदी सरकार जो है कि मंदिर के नाम पे क्यों ले रही है वोट? तो मोदी सरकार, मोदी ये क्यों बोल रहे हैं? इनका ये कहना है कि हम आके काम हमने किया क्रेडिट की, अगर कि अगर ये बताइए कहता कौन है? उसके जितने भी प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिपाठी चाहे वगैरह वगैरह जो भी हैं, वो आने के लिए बात क्या कहते हैं? हमने मंदिर बनाया, हमने कश्मीर से 370 हटाया, ये मुद्दा उठाते हैं ना वो? वो नौकरी कि कांग्रेस 370 हटा दीजिए, कांग्रेस बात करते हैं। आप कह रहे हैं ना कि मतलब वो मंदिर पे जो है कि चंदा से बना है, तो उनसे ये पूछिए कि मंदिर पे वोट क्यों ले रहे हैं? हमारा बात यही है। वो तो कांग्रेस देखिए, वो तो पॉलिटिक्स के दूसरी चीज है, क्योंकि कांग्रेस भी आती है, अखिलेश भी आते, तो वो भी अगर उसके सरकार में बना रहता तो उस पर वोट मांगती, वो दूसरा है। पर अगर आप ये जिससे कहें मैं उससे डिसएग्री किया हूँ। आपने बात की एक प्राइवेट नौकरी की, आपने क्या किया है? क्या मैं तो अभी 12th कॉमर्स में हूँ। 12th में हाँ। अब जब आगे जाएंगे ना आपको पता चल जाएगा। नहीं भैया, हमारे घर के भी लोग हैं प्राइवेट सेक्टर में, ऐसा नहीं है, हम ऐसे नहीं हवा में बात नहीं कर रहे हैं। आप एक बार पता करिए उनसे कि जब उन्होंने स्टार्टिंग की थी कितने से की थी? क्या प्राइवेट जॉब में कितने से स्टार्टिंग की थी उन्होंने? 25-30 से स्टार्टिंग है। 25-30 कौन से सेक्टर में गए थे? 25-30 मिला था। जितने प्राइवेट सेक्टर में, दिल्ली एनसीआर में जितने एमएनसी से, सब में इतना है। बताइए एमएनसी में कितने परसेंट लोगों को एमएनसी में नौकरी मिलती है? अरे आपके पास इसके लिए तो नौकरी मिलेगी, प्राइवेट में रिजर्वेशन का। आप इंटरव्यू क्वालिफाई करिए प्रॉपर तरीके से। जॉब जिनके पास नॉलेज है, जो गवर्नमेंट में जा रहे हैं वो मतलब उनके पास नॉलेज नहीं है, वो गवर्नमेंट की तैयारी करूं? भाई का ये कहना है, भाई का ये कहना है, मना ही नहीं किया हूं ना। इनका ये कहना है कि नौकरी तो नौकरी होती है, प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट और गवर्नमेंट वाला ये क्यों मसला है? नहीं देखिए, मसला ये है प्राइवेट में कि हर चीजें जो प्राइवेट, ये कह रहे हैं इनका मतलब मोदी की सरकार का ये मुद्दा है कि हम सारी चीजें गवर्नमेंट चीजें हटा दें। अब इनके हिसाब से इनकी बातें सुन के मुझे लगा कि मतलब कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट जॉब जो है वो मतलब रिजर्वेशन वाला चल रहा है, वो फ्री का पैसा दे रहे हैं। क्यों फ्री का दे रहे हैं भाई? गवर्नमेंट जॉब तो वो तो मोदी सरकार लाई नहीं है रिजर्वेशन, और डायरेक्ट हटाएगी तो कोई भी गवर्नमेंट गिर जाएगा, तो हो सकता है उसका पीओवीओ की प्राइवेटाइज करके हम रिजर्वेशन खत्म करें। आप क्यों यूपीएससी के जॉब के लिए सरकारी? आरक्षण के मसले पे आप लोगों का मत क्या है ये बताइए, आरक्षण के मसले पर? आरक्षण पे देखिए, आरक्षण तो हमें भी सहमति नहीं है, लेकिन आरक्षण का जिनका जिनको समय जो आरक्षण का मालूम है आपको, आपको 10 साल में बदलाव की 10 साल में बदलाव के लिए कहा गया था जब संविधान बना था, याद होगा शायद, या जो लिखा हुआ है कानून के हिसाब से 10 साल में उसको चेंज होने के लिए कहा गया था, लेकिन यहाँ तक 55-60 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई, 70 साल मान के चलिए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब ये गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, तो आपत्ति आप लोगों को क्यों नजर आ रही है? नहीं, आपत्ति इसमें कोई नहीं, अगर आप रिजर्वेशन हटाते हैं, सबको एक समान रखते हैं, वो अच्छी बात है, हम खुल के उसका सपोर्ट करेंगे, लेकिन और जो चीजें हैं उन पर भी बातें होनी चाहिए ना। लेकिन मोदी सरकार के पास बस 2-3 मुद्दे हैं, वो पूरी दुनिया जानती है, विपक्ष इंडिया को पता है। विपक्ष में तो कौन से 2-3 मुद्दे आप बताइए? मुद्दा बताइए क्या है? मुद्दा वही जो हमने अभी भी बोला और आगे भी बोलेंगे, उनके पास बस मंदिर है, मंदिर 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 मंदिर। अच्छा। उनके जितने भी प्रवक्ता हैं उनके मुंह से आप मंदिर के अलावा कुछ नहीं सुनेंगे। कांग्रेस के पास क्या, आप बता दीजिए, आप किसको सपोर्ट करते हैं, आप उसके पक्ष में बता दीजिए ना। आप जिस गवर्नमेंट को सपोर्ट, हम किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते, हम जो है कि अगर जो अच्छा काम करेगा उसको सपोर्ट करेंगे। मोदी ने अच्छा काम नहीं किया है, मोदी पिछले अच्छे काम गिनाए आप, उनके अच्छे काम। मोदी 10 साल में रोड्स एंड ऑल नहीं डेवलप किया, जो ब्रिजेस वगैरह डेवलप किया, अब एकदम एग्जैक्ट नहीं फिगर है, बट श्रीनगर का मैंने अभी ओपिनियन किया तो लोगों ने बताया कि 2 फ्लाईओवर जो जहां पे बहुत ज्यादा घटना होती थी, 2 फ्लाईओवर इसी सरकार ने अभी 19 और 24 में दिया है उन्होंने। मोदी सरकार ने कितने IIT बना दिए, कितने कॉलेज बनाए हैं, पूछ लीजिए, एम्स का ही देख लीजिए, तो बनाए कितने IIT बना दिए, कुशीनगर में जो पढ़ रहा हूँ ना, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, फिर एम्स का देख लीजिए, जो सबसे ज्यादा मोदी सरकार ने ही एम्स बनाए हैं, जो इस साल की गवर्नमेंट आप डाटा निकाल के देख सकते हैं, सबसे ज्यादा 12 की 16 एम्स बनाया है मोदी सरकार। बेरोजगारी दर आपको पता है कितना है? बताइए बेरोजगारी दर में नहीं, अपना इंडिया जो कितने नंबर पे आया हुआ है मैं बता दे रहा हूँ, जो IIT करके लोग बैठे हैं, कल न्यूज पे ही दे रहा था, 43% लोग उसमें से बेरोजगार है। रीजन क्या है? उनके पास स्किल नहीं है, तब उसमें नहीं ना कहेंगे, बाकी IITians के पास स्किल है। एक बार कहते ना कि स्किल नहीं है, स्किल सबके पास है, स्किल कहाँ से आती है? देखिए हमारी गवर्नमेंट जो आ रही है, स्किल बनेगी कैसे? आप मौका देंगे तब तो सीखेंगे। आप कॉलेज करते हैं, आप कॉलेज में आप क्या पढ़ रहे हैं? प्रैक्टिकल कहाँ होता है, थ्योरेटिकल कहाँ होता है, आपको पता होगा। तो मसला है नहीं कि एक ही बार बदल दे, 70 साल से कांग्रेस नहीं बदल पाई एजुकेशन सिस्टम, 10 साल में मोदी से दिक्कत है, वही तो दिक्कत है। आप 70 साल की बातें लेके चलते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप ये बताइए ना। हमें तो वैसे सबको चाहिए होता है समय, तो सब अब ये 10 साल की बात मिल गया भाई, हमें तो 10 ही मिल गया, तो 10 साल मिला उसमें उन्होंने क्या किया,
कितने उन्होंने स्किल्ड तैयार किए उन्होंने, एम्स गिनवा दिया, कितने लोगों को स्किल्ड तैयार किए उन्होंने, कितने लोगों को स्किल्ड किया उन्होंने। आप फैक्ट्स पे बात करिए तो मैं बात कर लूंगा, ऐसे हवा में बात करेंगे तो आपसे नहीं बात कर पाऊंगा। रहने दीजिए। क्या लग रहा है ये जो प्राइवेट नौकरी की बात करें, आप प्राइवेट सेक्टर में आपके पास डिप्लोमा है, डिग्री है, तो फिर आपने क्यों नहीं यही रहने वाले? क्या नाम है आपका? अमन मिश्रा नाम है। अमन भाई नौकरी चाहिए इनको, परेशान है बेचारे। नहीं ठीक है, उनका बात भी सही है, लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी कोई काम ही नहीं किए, तो ये बात उनका गलत है, बहुत गलत है। मार रहे हैं कि नौकरी सबको चाहिए, सबको करना है, लेकिन आदमी खोजेगा तो नहीं सरकारी मिल रहा तब तक प्राइवेट कर ले, फिर सरकारी की तैयारी करे, सरकारी उसके बाद कर ले। क्या जरूरत है कि केवल नौकरी के पीछे भागना, हर चीज तो देखना है कि केवल नौकरी ही देखना है। यूपीएससी हर साल नहीं आ रहा है, यूपीएससी भी तो गवर्नमेंट जॉब है, एसएससी आ रहा है, हर एक चीज आ रहा है, उस पर ध्यान देगा नहीं कुछ बैंक तो काहे नहीं मिल रहा है, काहे नहीं मिल रहा है, चलिए दिखाए। जीवन से ही निकला है भाई, यूपीएससी का कौन सा पेपर लीक हो गया? तो पेपर लीक होने से गवर्नमेंट का क्या करना है भाई? यूपी पुलिस का कर, गवर्नमेंट का गलती है इसमें भाई, हमारा थोड़ा ना। क्या चल रहा है माहौल इस समय? तो गवर्नमेंट का फॉल्ट, मतलब क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या माहौल है कुशीनगर का, देश का? एक सवाल आप लोगों को, आप मुझसे मिलिएगा, मैं आपको बता दूंगा क्या माहौल है। कुशीनगर ही रहते हैं, पता चल जाएगा। कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं ना, जो ईवीएम का मुद्दा है ना, ईवीएम पे इनकी सरकार जहाँ बनती है वहाँ। अच्छा ये बताइए, इसमें आपके पास भी 10-12 वीडियो आते होंगे जो लोग बटन दबा रहे हैं, वो किसी पे दबाए। अच्छा एक मिनट, आपने वोट किया कि नहीं किया है? अच्छा करेंगे आप, सॉरी अभी वोट करेंगे, हमने वोट किया, फोन अलाउ नहीं होता है, वीडियो कैसे आ जाती है बताइए। अब देखिए क्या पता उनके जो लोग हैं है? पहले वो लोग जांच कर रहे हैं है? शायद उसका वीडियो है वो अधिकारी के अलावा जो वहाँ जिनकी ड्यूटी होती है सिर्फ वो वहाँ फोन का इस्तेमाल करते हैं, वो भी ऑन ड्यूटी कैमरे के अंदर रहते हैं। लेकिन ये जो वीडियोज आपको मिल रहे हैं ना, ये सारे फेक होते हैं। इस पे स्पष्टता रूप से, यानी कि क्लियर रूप से आपको पता है कि वो वीडियो रियल होते हैं और फेक होते हैं? हाँ देखिए इसमें तो हम नहीं कह सकते कि क्लियर है कि नहीं है, वो फेक भी हो सकता है, लेकिन आज भी एक मुद्दा है, दिखा दीजिए हमको, ईवीएम का मुद्दा है दोस्त, ये बताओ। चलो मैं किसी पक्ष को लेकर नहीं बात कर रहा हूँ, बस मैं इतना पूछ रहा हूँ कि जहाँ सरकार बनती है खास तौर से विपक्ष की, चाहे आप कर्नाटक ले लें, हिमाचल ले लें, और भी तमाम जगहों पे, वहाँ पर आप लोग चुप्पी क्यों साध लेते हैं? ईवीएम नाम का शब्द क्यों नहीं आता है? ईवीएम नाम का शब्द क्यों नहीं आता है? और फिर ये क्यों नहीं बीजेपी वाले कहते कि भाई ईवीएम आपने हैक करके वहां सरकार बना ली? चलिए ये भी मुद्दा सही है आपका है? इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अगर यही कांग्रेस की सरकार अगर सत्ता में आ जाती है, मैं बात कर रहा हूँ दोनों पक्ष को लेकर, अगर सत्ता में वापसी कर लेती इस बार, तो मान के चलिए ईवीएम का रोना जो है ना, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा आप सभी लोगों का। लेकिन अगर जो डिमांड करें कि ईवीएम को हटा करके अगर बैलेट पेपर से कराया जाए, अब बैलेट पेपर एक बात बताओ, टेक्नोलॉजी आपको पता है टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी कि पीछे जाएगी? नहीं टेक्नोलॉजी का भी यूज होना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी में भी आपको पता है कि टेक्नोलॉजी हमारे से ही आती है, हम उसको बना सकते हैं तो उसमें हम फॉल्ट भी डाल सकते हैं, ये भी आपको पता है ना, ईवीएम मशीन जहाँ मैन्युफैक्चर। आप उसने खुला चैलेंज किया है, और खासतौर से जो भी जिसके भी सिस्टम भारत बनाती, भारत टेक कंपनी है उसके थ्रू शायद बनता है, उन्होंने चैलेंज किया कि ऑल वर्ल्ड कहीं से भी कोई इंजीनियर बुला लो, कुछ भी फॉल्ट अगर आप निकलवा सकते हो निकलवा। चलिए देखिए अगर इस पे जांच होती है तो अब स्पष्ट हो जाएगा वो कि सही है कि गलत है। चलिए अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आप तो कुशीनगर के नौका विहार पर हमने युवाओं से भी माहौल जाना, हमने बड़े बुजुर्गों से भी माहौल जाना, सभी लोगों ने अपना अपना मत बताया कि आखिरकार यहाँ पर कितना विकास हुआ है, देश में कितना विकास हुआ, किसके क्या कुछ मसले हैं। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक, कुशीनगर।